गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। इंडिया आप तक समाचार कड़वा लेकिन सच। जळगाव मध्ये सुरू झालंय हॉटेल जायका। बच्चे कंपनी, तरुणाई, मित्र मंडळी, पुरुष आणि बायका सर्वांच्याच पसंतीचं हॉटेल जायका। स्पेशल चिकन, मटन, फिश, वेज, नॉन वेज, स्वादिष्ट भोजनाचा आनंद द्विगुणित करण्यासाठी सर्वांच्या पसंतीचं ऐका हॉटेल जायका। फॅमिली रेस्टॉरंट आणि शाकाहारींसाठी वेगळ्या किचनची सोय। हॉटेल जायका, कानोळदा रोड, शिवाजीनगर, जळगाव। हॉटेल जायका, अब मूड को दीजिए थोड़ा तड़का। महिला बचत गट को बढ़ावा देने के लिए और उनके द्वारा किए जा रहे उद्योगों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए हर साल की तरह इस साल भी जलगांव के सागर पार्क पर गुरुवार 19 जनवरी से बहिनाबाई महोत्सव का आगाज किया गया है। जलगांव के नए जिलाधिकारी अमन मित्तल के कर कमलों द्वारा बहिनाबाई चौधरी की प्रतिमा को पुष्पहार अर्पण कर इस महोत्सव का शुभारम्भ किया गया, जहां पर भरारी फाउंडेशन के दीपक परदेसी, विनोद ढगे समेत शहर के गणमान्य मान्यवरों की उपस्थिति रही थी। बहिनाबाई महोत्सव का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जहां एक और बचत गट की महिलाओं को उद्योग में बढ़ावा मिल सके, वहीं लोगों को लोक कलाओं के बारे में जानकारियां मिल सके और इसी उद्देश्य से वहां पर कई तरह के खान पान के स्टॉल लगाए गए हैं। कई तरह के महिला गृह उद्योग और बचत गट की ओर से किए जाने वाले उद्योगों की जानकारी के लिए स्टॉल्स भी हैं। इतना ही नहीं, शाम के समय लोगों को लोक कला के बारे में जानकारियां देने के लिए तरह तरह के मनोरंजन का भी इंतजाम किया गया है, जहां पर पहले ही दिन हजारों की संख्या में लोगों ने मौजूद रहकर इस महोत्सव को महा उत्सव का स्वरूप देने का प्रयास किया। 5 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में रोजाना हजारों की संख्या में जिले और जिले से बाहर के लोग भी आते हैं, जिसमें बहिनाबाई महोत्सव के स्टॉल पर महिलाओं को मुनाफा तो होता ही है, साथ ही साथ वहां पर आने वाले विजिटर्स को अलग अलग तरह के अनुभव भी प्राप्त होते हैं। उन्हें खानदेश के आसपास के खान पान और नजारों, कलाकृतियों को देखने का अवसर भी प्राप्त होता है। इस महोत्सव में उपस्थित रहकर लोक कलाओं के बारे में जानने और अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने का आह्वान भरारी फाउंडेशन की ओर से आयोजकों द्वारा किया गया है। जलगांव से जक्की अहमद के साथ आनंद शर्मा की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए।